हेलो फ्रेंड्स, मैं उससे पहले आज हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल क्वेश्चन का फूड ट्रायल के बारे में। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप अगर कॉन्टिनेंटल क्वेश्चन में ट्रेनिंग कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप अगर कॉमी लेवल के लिए फूड ट्रायल में जाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको इस वीडियो में पूरा बताने की कोशिश करूंगा फूड ट्रायल के दौरान किस किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है और किस किस डिश का आप फूड ट्रायल में सिलेक्ट करें, कौन कौन डिश को आप चुने फूड ट्रायल के लिए कॉमी लेवल के। पहला बात है, हम फूड ट्रायल देने जाने से डरते ही, हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। हम अगर डर गए तो हमारा खेल खत्म। हम घर से दूर, इतना दूर जाके हमारा फैमिली को, पेरेंट्स को, घर को छोड़ के इतना दूर जाके जॉब करते काहे के लिए? हम आगे बढ़ने के लिए जॉब करते, राइट? पैसा के लिए करते, राइट? तो हमें स्ट्रांग बनना होगा, हमें एक टारगेट बनाना होगा, एम बनाना होगा। हम 2 साल का अंदर CTP बन जाएंगे, 2 साल का अंदर SUSEP बन जाएंगे। ऐसा अगर टारगेट लेके हम आगे बढ़ेंगे तो जल्दी से जल्दी हम आगे पहुंचेंगे। जल्दी से जल्दी लाइफ में ग्रो लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कई चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा। हमें कभी भी एक ही होटल में ज़्यादा दिन तक जॉब नहीं करना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 1.5 साल तक हम एक ही होटल में रुकेंगे, राइट? इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर हम रुक गए तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेनू में काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा होटलों से एक्सपीरियंस लेना है हमें आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? और हमें कभी भी एक जगह में जॉब छोड़ के दूसरा जगह में जॉब ढूंढना नहीं चाहिए। हमारा जॉब रहते हुए हमें जॉब ढूंढना चाहिए। हमारा जॉब चल रहा है एक जगह पे, वहाँ से हम छुट्टी लेंगे, हम वीकली ऑफ लेंगे, हम सेफ को बताएंगे हमारा दूसरा जगह पे इंटरव्यू हुए फूड डाले, तो वहाँ से छुट्टी लेके दूसरा जगह में जाके जॉब ढूंढना है, ये तो कई चीज़ का दिक्कत आ सकता है। हम अगर कॉमी लेवल के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमें सिंपल मेनू बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक लिमिट का टाइम होता है। वहाँ का जो सीनियर पर्सन होगा वो आपको पहले ही बता देगा आपके पास 2 घंटा है, 3 घंटा है, आपको 2 घंटा के अंदर 3 घंटा के अंदर आपको फूड ट्रायल ख़त्म करना होगा। इसलिए हमें सिंपल मेनू बनाना होगा, राइट? हम ज़्यादा कोई डिश ऐसा ना रखें जो पकाने में ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है? हमें फूड ट्रायल देने जाने से पहले कई चीज़ का ध्यान रखना होगा, ग्रूमिंग का ध्यान रखना होगा। हम बाल कट के जाए, सेव करके जाए, नेल कट के जाए, हमारा जो यूनिफॉर्म है वो फॉर्मल हो, हमारा व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज के साथ हम जाए। हम जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे हम सीनियर के साथ बात कर लेंगे। किचन में अगर SUSEP होगा, सुपरवाइजर होगा, वहाँ पे उनसे बात कर लेंगे, बताएंगे जी ये चीज़ है मेरे पास, ये डिश मैं देना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जाके उस जो डिश देना चाहता हो उसका जितना मीजा प्ला होगा वो सारे मीजा को आप कलेक्ट कर लेना। वहाँ जाके कलेक्ट करने के बाद आपको कई चीज़ का ध्यान रखना होगा। फूड ट्रायल स्टार्ट करने के पहले आपको कई सारा चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको सारे बंधाओं पे फॉलो रखता है। जो सीनियर पर्सन होता है वो आपको कैमरा, CCTV कैमरा से फॉलो रखता है। वहाँ पे क्लीनिंग के साथ काम करना होगा, लेस वेस्टेज के साथ काम करना होगा। ज़्यादा चीज़ का वेस्टेज आपको करना नहीं चाहिए फूड ट्रायल के दौरान, ठीक है? कॉन्टिनेंटल क्विजिन का एक कॉमी लेवल का अच्छा फूड ट्रायल मेनू में क्या क्या होना चाहिए? एक एपिटाइजर होना चाहिए, एक सैलाड, एक सूप, मेन कोर्स में एक चिकन का आइटम, एक फिश का आइटम, एक लैम का आइटम, एक बीफ का आइटम, पास्ता और रिजोटो, इस 2 में से एक दे सकते हो, और एक डेजर्ट देना चाहिए मेरे हिसाब से। 3 बहुत ही फेमस एपिटाइजर का आपको आइडिया दूंगा। इसमें से पहला नंबर पे है स्लाइडर। आपको अगर स्लाइडर बन मिल जाए, कलर बन, तो बहुत ही अच्छा है, इसका लुकिंग बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें से फिलिंग में आप चिकन डाल सकते हो, बीफ, वेजिटेबल कोई भी डाल सकते हो। दूसरा नंबर पे है मैक एंड चीज बॉल। पहले आपको पास्ता को, मैक्रोनी पास्ता को चीज सॉस में डाल के पास्ता बनाना है। उसके बाद पास्ता को ठंडा करने के बाद उसको बॉल बनाना है, क्राम करना है, फ्राई करना है, उसके बाद आप इसको दे सकते हो। बहुत ही फेमस एक अमेरिकन स्टार्टर है। तीसरा नंबर पे है स्टफ मशरूम। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। मशरूम का अंदर आप स्पिनाच, ऑलिव्स, चीज़ डाल के स्टफिंग करके फ्राई करके दे सकते हो। इसमें से, इस 3 में से आप कोई भी स्टार्टर आप फूड ट्रायल में दे सकते हो। कॉमी लेवल का फूड ट्रायल के लिए एक सैलड देना जरूरी है। मैंने कई सैलड का आपको आइडिया दूंगा, इसमें से आप कोई भी एक दे सकते हो जो आपके लिए आसान हो। टमाटो मजरूला सैलड 1 नंबर पे है। दूसरा नंबर पे सीसिया सलाद, हम सभी को पता है। अगर वहाँ पे किनोवा राइस अवेलेबल हो तो हम चिकन किनोवा सलाद दे सकते हैं, हैंडलूम टमाटो सलाद दे सकते हैं, बीटरूट फेटा दे सकते हैं, बीटरूट किनोवा सलाद दे सकते हैं, बहुत सारा सलाद होता है। इसमें से मैंने आपको जो बताया इसमें से कोई भी आप एक सलाद दे सकते हो आपका फूड ट्रायल में। मैं कॉन्टिनेंटल क्विजिन का 3 फेमस सूप के बारे में बताऊँगा। इस 3 में से आप कोई भी एक दे सकते हो आपका फूड ट्रायल में, ठीक है? नंबर 1 पे है फ्रेंच ऑनियन सूप, बहुत ही फेमस सूप है, ये फ्रांस से है। दूसरा नंबर पे है सी फूड चावडार, एक अमेरिकन सूप है, बहुत ही फेमस सूप है कॉन्टिनेंटल क्विजिन का, ये भी आप दे सकते हो। और तीसरा नंबर पे मिनेस्ट्रोनी सूप, ये हम सभी को पता है, एक इटालियन सूप है, इसको भी हम फूड ट्रायल में दे सकते हैं। मेन कोर्स में चिकन में एक आइटम देना पड़ेगा,
इसमें से मैंने 3 डिश का मेन कोर्स का डिश का बताऊंगा, आपको आइडिया दूंगा। इसमें से आप कोई भी एक दे सकते हो, रोस्टेड चिकन, ग्रिल चिकन और चिकन रोल आते हैं। इसमें से आपको जो इजी लगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेन कोर्स में सी फूड का कोई भी एक आइटम आपको देना होगा कॉमी लेवल का फूड डर के लिए। इसमें से हम ग्रिल फिश दे सकते हैं, ग्रिल प्रॉन्स दे सकते हैं और ग्रिल लॉबस्टर, इस तीनों में से कोई भी एक हम दे सकते हैं। लैम का कोई भी एक आइटम देना चाहिए आपको फूड ट्रल में, लैम सेंग और लैम चॉप। मैंने रिकमेंड करूँगा लैम चॉप देने के लिए, ये बहुत ही जल्दी कुक होता है। लैम सेंग पकाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसमें आप दोनों का अंदर एक दे सकते हो जो आपको आसान लगे। मेन कोर्स में पास्ता और रिजोटो के अंदर आपको एक चीज़ देना चाहिए। पास्ता में कई वेराइटीज है, पास्ता अराबिता दे सकते हो, पास्ता कार्बोनारा, पास्ता ब्लॉगनाइज, पास्ता मशरूम दे सकते हो। रिजोटो में आपको जो अच्छा लगे चिकन रिजोटो दे सकते हो, मशरूम रिजोटो दे सकते हो। अगर आपको पास थोड़ा वेराइटीज मशरूम है, पोर्चिनी, बटम मशरूम, सिमजी मशरूम, सीता के मशरूम, तो आप सारे मशरूम को इकट्ठे करके रिजोटो बना के दे सकते हो। आपको अगर फूड ट्रायल में अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपको एक डिजर्ट देना होगा। मैंने 3 डिजर्ट के बारे में बताया आपको, बहुत ही सिंपल कॉन्टिनेंटल का बहुत ही फेमस डिजर्ट के बारे में बताया। पहला है पैनकेक, आप सभी को पता है पैनकेक, फ्रेंच टोस्ट, क्रेप के बारे में। हम इस 3 में से कोई भी एक दे सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।